नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, एक सवाल मुझे मिला कि संतान प्राप्ति के लिए जो है, अगर धूप के माध्यम से कोई उपाय जन्माष्टमी के दिन किया जा सकता है तो मैं वो आप लोगों को बताओ। यानी कि ये सवाल मुझे एक ने पूछा है और वो कह रहे हैं कि उनके कई समय से जो है संतान नहीं हो रहे हैं, इस विषय से वो बहुत हताश भी हो गए हैं वो दंपति जो है। तो अगर कोई उपाय इसके माध्यम से होता है तो अगर मैं अगर बताकर उन्हें मदद करता हूँ तो देखिए दोस्तों, ये तो प्रभु के ऊपर होता है। मैं आपको प्रार्थना का उपाय बता सकता हूँ, एक तरीका बता सकता हूँ शायद, पर सभी जो होता है ना वो प्रभु के हाथ में होता है। और एक विषय यहाँ पर मैं और कहना चाहता हूँ, ये वीडियो पर जो है मेन विषय पर जाने से पहले, कि ये जो विषय मैं बताने वाला हूँ वो संतान प्राप्ति के लिए है, ना कि किसी पुत्र प्राप्ति के लिए। जन्माष्टमी पर हो रहा है इसका मतलब बहुत सारे लोग ये सोच सकते हैं कि ये पुत्र प्राप्ति के लिए होगा, ऐसा कुछ नहीं है। संतान प्राप्ति मतलब पुत्र या कन्या कोई भी। जिन्होंने मुझे ये मेल किया है, एक बार सोचिए दोस्तों, उनके लिए जो है ना कन्या और पुत्र में क्या अंतर होगा कि उनके बच्चे ही नहीं हो रहे हैं। वो इतना हताश हो गए कि उनके बच्चे नहीं हो रहे, तो वहाँ पर चाहे वो कन्या हो लक्ष्मी जी का रूप, कन्या तो लक्ष्मी जी के रूप होते, या पर बाल गोपाल के रूप में पुत्र, तो क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों ही एक ही प्रकार है। माँ बाप के लिए संतान सबसे बड़ी बात है। जिनके संतान नहीं होते है ना, मतलब बहुत सी मन्नतों में बहुत सी समस्याओं के कारण वो इलाज कराते, वो ना जाने कहाँ कहाँ पर जाकर अपनी माथा टेकते कि कम से कम उन्हें एक संतान हो जाए। तो यहाँ पर पुत्र प्राप्ति की तो कोई विषय आता ही नहीं है। तो इसलिए इसे गलत तरीके से मत समझिएगा कि जन्माष्टमी के दिन मैं कह रहा हूँ तो ये केवल पुत्र प्राप्ति के लिए ही होगा, ये संतान के विषय में है। अगर जो है आप जो है संतान पाने में आपकी कोई नेगेटिव बाधा आ रही है तो धूप तंत्र के इस माध्यम से जो है, अगर आप प्रार्थना करते हैं, अगर आप आराधना करते हैं, तो हो सकता है कि भगवान की दृष्टि जो है वो आप पर पड़े और उनके आशीष से आपके घर में भी जो है एक फूल जैसा संतान जो है बहुत ही जल्दी आ जाए। तो दोस्तों, इसके लिए आपको जो चीज़ करना है, जन्माष्टमी के दिन जो है आपको संध्या आरती हो जाने के बाद, जन्मोत्सव की पूजा करने के बाद ये आपको करना है। ये एक्चुअल में आपको जन्मोत्सव और जो प्रकट की आरती, यानी कि प्रकट का जो जन्माष्टमी पूजन होगा जो 12 बजे की होता है, और जन्मोत्सव की पूजा जो है वो 8 बजे के बाद ही मनाया जा सकता है। तो जन्मोत्सव की पूजा आपने कर ली, उसके बाद ही आपको ये उपाय या क्रिया करना है। और मतलब आप ये समझ लीजिए कि 8 बजे से 12 बजे के बीच जो है, बीच का जो समय है, 12 बजे भगवान की प्रकट आरती होगी और 8 बजे से ही जन्मोत्सव की पूजा आरती शुरू हो जाती है। तो जन्मोत्सव की पूजा आरती करने के बाद आप इस कार्य को करिएगा। जो लोग जन्माष्टमी अलग से नहीं मना रहे हैं तो मैं उनके लिए भी कह देता हूँ कि वो भी अगर इस कार्य को कर रहे हैं तो उन्हें भी जो है ना 8 बजे के बाद ही करना चाहिए, ना कि जो है 8 बजे से पहले, यानी कि संध्या से पहले ये कार्य नहीं होगा। जन्माष्टमी के दिन आप ये खास उपाय कर रहे हैं तो इस वजह से जो है आपको 8 बजे के बाद ही करना होगा। और एक बात मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि कोशिश करिए कि कम से कम जो है ना पूरे दिन जो है आप भगवान की पूजा आरती करने के दिन, क्योंकि इस दिवस पर अगर आप ये उपाय करना चाहते तो ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप भगवान का नाम लें, इस दिवस को पालन करें। ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे आडंबरता आपको करना है। आप अगर बाल गोपाल के या फिर कृष्ण जी के छवि में ही जो है ये पूजा आरती कर रहे हैं पूरे जन्माष्टमी की, तो वो भी चलेगा, उसमें भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है दोस्तों। पर आप जो है इस दिन को पालन ज़रूर करिए और 8 बजे के बाद ही इस उपाय को आपको करना होगा। तो इस उपाय के लिए आपको धूप तो लेना ही है, उसके साथ जो चीज़ आपको लेना है, आपको खिलौने लेना है। खिलौने आप कुछ भी ले सकते हैं, आप हाथी ले सकते हैं, आप घोड़ा ले सकते हैं, आप जो मोर होता है वो चीज़ें ले सकते हैं। ये आपको मिट्टी का लेना है, ये जो है आपको लकड़ी का लेना है, आपको पीतल का लेना है या फिर चांदी का लेना है। मिट्टी के और लकड़ी के बहुत आसानी से मिल जाता है, तो वही चीज़ अगर आपको मिल जाता है तो वही चीज़ जो है आप भगवान को इस दिन दे सकते हैं। दोस्तों, दोनों लेना होगा आपको, खिलौने जो भी आप लेंगे वो आपको दो लेना होगा। यानी कि आप अगर खिलौने ले रहे हैं, किसी भी प्रकार के खिलौने, वो खिलौने आपने गौ मतलब गाय ले ली तो गाय भी आपको दोनों लेना
करना होगा। तो इस तरह के खिलौने जो है वो आपको भगवान को चढ़ाना है, और उसके साथ साथ हाँ दोस्तों चढ़ाना ही है, ये दोनों जो चीज़ें हैं ना ये उपहार के तौर पर भगवान को आपको चढ़ाना है। और धूप में आपको क्या करना है, धूप में आपको पीले वाले जो राल है उसका उपयोग करना है। दोस्तों पीले वाले राल जब हम बाज़ार से खरीद कर आते हैं ना तो उसमें थोड़ा बहुत भूरे वाले भी मिला देते दुकानदार, क्योंकि वो उनका बिजनेस होता है। अब उन्हें गाली देने की जगह हमें यहाँ पर थोड़ा मेहनत ये करना होगा कि उसमें से जो पीले वाले राल है उसे हमें छान लेना है। तो पीले वाले राल आपको लेना है, आपको गुग्गुल लेना है, और उसके साथ जो है जो पीले वाले चंदन होते हैं उसका आपको उपयोग करना है। तो पीले वाले चंदन जो हो गया वो पीले वाले राल हो गया वो, और देखिएगा नारंगी रंग का एक गुग्गुल मिलता है, वैसे वो हर जगह पर नहीं मिलता, अगर आपको मिल जाता है वरना नॉर्मल जो भी गुग्गुल आपको मिलता है उसका ही आप प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ जो चीज़ आपको करना है, इसके साथ आपको शुद्ध घी लेना है और मिश्री, इसका आपको प्रयोग करना है। ये पांच चीज़ें जो है आप नोट कर लीजिए दोस्तों, इन पांच चीज़ों से ही जो है आपको ये उपाय करना है, भगवान को जन्माष्टमी के दिन जो है संतान प्राप्ति के लिए आपको प्रार्थना करना है। इस विषय को आपको ध्यान रखना है। और एक विषय, बहुत सारे लोग कहेंगे कि गुड़ घी का इस्तेमाल करके तो हम प्रतिदिन की पूजा करते या भगवान को गुड़ घी चढ़ाने का चलन है, तो इसमें जो है इस उपाय में गुड़ का चलन नहीं होगा, यानी गुड़ का प्रयोग नहीं होगा, इसमें आपको मिश्री ही करना होगा, क्योंकि ठाकुर जी को यानी कृष्ण गोपाल जी को जो है वो मिश्री ही प्रिय है, तो इसलिए इस जगह पर आपको मिश्री का ही प्रयोग करना होगा, ना कि बतासे का, ना कि आपको गुड़ का, केवल मिश्री जो है उसका ही आपको इसमें प्रयोग करना है। दोस्तों ये धूप जो है वो आपको जो पीतल के धुनची है, अगर आपके पास नहीं है दोस्तों तो मैं आपको कहूँगा आप बाज़ार से कम छोटा वाला ही सही, जो एक नंबर का साइज़ मिलता है वो भी आप लेकर आ सकते हैं। हाँ दोस्तों ज़रूरी नहीं है आपको कि बड़े वाले ही खरीदने होंगे, आप मझोले या आप सिर्फ छोटे वाले ही एक खरीद कर रख सकते हैं, वो हर पूजा में आपको काम आ जाएंगे। तो उसमें जो है पीतल के उस धुनची में जो है आपको घी के बाती से नारियल छिलके या फिर गोबर के कंडे को जलाना चाहिए। इसमें मैं कहूँगा अगर आप नारियल के छिलके का प्रयोग करते हैं तो वो ज़्यादा सही रहेगा, नारियल के शुद्ध छिलके का आप प्रयोग करिए, और उसमें जो है घी के बाती से आप धूपाग्नि प्रज्वलित करिए, और ये जलाते समय श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम ये कहते हुए आपको ये बाती जलाना है, यानी धूपाग्नि आपको जलाना है। इसके बाद जो है दोस्तों इसके बाद आपको धूप सामग्री और जो घी और मिश्री मैंने कहा वो आपको 8 बार जो है जय श्री कृष्ण बोल के आप डाल सकते हैं। उसमें ध्यान रखिए जिस भी चम्मच से आप डाल रहे हैं ना धूप सामग्री उसमें पूर्ण होना चाहिए, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत हमने बस लेकर डाल दिए, पूरा चम्मच भरा हुआ होना चाहिए, ऐसे जो है आपको 8 बार डालना है। इसलिए धूप को थोड़ा जलने दीजिए, यानी धूपाग्नि को थोड़ा जल जाने दीजिए, उसके बाद जो है जब वो अच्छे तरीके से प्रज्वलित हो जाता है उसके बाद ही आप में आप जो है उसमें ये धूप सामग्री जो है वो आप डालिए, और उसके साथ साथ जब भी आप ये धूप सामग्री डालेंगे उसके साथ ही आपको जो है यानी 8 बार आप ये धूप सामग्री भी डालेंगे, और उसके साथ आपको हर एक चम्मच घी आपको उसमें देना होगा, और एक मिश्री का दाना जो है वो भी आपको उसमें देना होगा। दोस्तों इस बात का आपको ध्यान रखना है कि हर बार जो है आपको एक चम्मच ये तीन प्रकार की जो मैंने धूप के विषय में कहा, जो कि गुग्गुल है, राल है, और हर पीले रंग के जो चंदन है वो आपको देना है, और उसके साथ जो है एक चम्मच आपको घी भी देना है, आप मनी से भी दे सकते, और एक मिश्री का दाना जो है उसमें आपको देना है। आपको मन ही मन आपकी संतान प्राप्ति की जो कामना है वो भगवान को बोलना है, पर मुंह से आपको नहीं बोलना है, आपको मुंह से नहीं बोलना है दोस्तों, मुंह से आपका बस कृष्ण नाम होना चाहिए, चाहे वो जय श्री लड्डू गोपाल बोले, जय श्री कृष्ण बोले, आप कुछ भी बोले। बहुत सारे लोग बोलते हैं इस तरह बोलने से क्या फल मिलता है, हाँ दोस्तों ये एक तरीके से ना हमारी भावना से इसे आप लौकिक मंत्र बोल सकते हैं, कि हम जो है अपनी ही भाषा में भगवान के अर्चन करते हैं, तो हम में से सभी को जो है संस्कृत मंत्र या फिर इस तरह के श्लोक आएंगे, जरूरी नहीं है। हम जब पूजा करते हैं वो हम भावना से करते हैं, हम भगवान के प्रति अपने ये जो मतलब मन है उसे संपूर्ण निष्ठा के साथ अर्पण कर रहे हैं या नहीं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसमें लौकिक विधि हो, वैदिक विधि हो, पौराणिक हो, तांत्रिक तंत्र के विधि हो, वो कोई मायने नहीं रखता है। तो आप जो है भगवान के नाम लेते हुए जो है इन धूप सामग्री घी और
मिश्री को आपको उसमें डालना है। घबराइए मत दोस्तों, आप जय श्री कृष्ण बोलेंगे तब भी आप चलेगा, या फिर श्री कृष्णाय नमः कहेंगे तो भी आप जो है ना आपको सेम ही होगा, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। कुछ जो है लौकिक नियम के साथ हम मंत्रों का प्रयोग करते हैं, यानी लौकिक तरीके से हम बोलते हैं, कुछ जो है हम श्लोक के माध्यम से हम बोलते हैं, तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें फल आपको समान ही मिलेगा। तो इस बस निष्ठा रखिए, मन में निष्ठा आपका होना चाहिए कार्य जब कर रहे हैं आप। अपनी जो भी प्रार्थना है संतान प्राप्ति की, वो आप मन ही मन करिए दोस्तों। और ये करने के बाद जो है मतलब धूप आपने सामग्री डाल दी भगवान के सामने 8 बार करके, इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, 16 बार जो है उस धूप पात्र को, यानी 16 बार आपको उस धूप पात्र को भगवान के सामने घुमाना है। हाँ दोस्तों, मन ही मन आपके मन में जो भी कामना है वो कहते हुए जो है ना आपको उस धूप पात्र को 16 बार भगवान के सामने घुमाना है, और इसके बाद रख देना है, आपको हाथ धो लेना है, और फिर आपको भगवान को प्रणाम करना है। दोस्तों प्रणाम करने के बाद आप छोटी सी आरती अगर चाहे तो कर सकते हैं धुनजी धूप और कपूर से, या फिर जो है आप जो है पंचदीपक जलाकर भी आप आरती कर सकते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, आप कपूर से और धुनजी धूप से भी केवल कर सकते हैं, या फिर जो है पंचदीपक और धुनजी धूप से भी आप आरती कर सकते हैं। आरती का मतलब होता है किसी भी कार्य जब हम करते हैं तो उसमें पूर्णता आती है, तो आप अगर ये धूप विधि करने के बाद अगर आरती करते हैं थोड़ा तो ये बहुत ही अच्छा है। ज़रूरी नहीं है कि उसमें आपको बहुत बड़े तरीके से कुछ करना होगा, आप बस धुनजी धूप से ही आरती कर लीजिए। और ये जो धूप आपने चढ़ाए है ना, अगर कोशिश करिए, अगर इससे अलग धुनजी में अगर आप कर पाते तो अच्छा है, पर अगर नहीं कर पा रहे तो इस दोनों चीज़ के साथ भी आप जो है भगवान की आरती करते, पर पहले आपको उसे 16 बार घुमाना होगा, और उसके बाद हाथ धोकर अगर आप आरती करना चाहते हो उस धूप पात्र से आप कीजिए, उसके साथ आप पंचदीपक या फिर कपूर से भी आरती कर सकते हैं। मैं हमेशा पंचदीपक के आरती के पक्ष में ही हूँ, तो पंचदीपक से आप आरती कर लीजिए, पर पहले आपको 16 बार घुमाना होगा, विषय को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। आरती आप करिए, समस्या उसमें नहीं है, पर वो भी मतलब सामग्री वगैरह डालने के बाद आपको 16 बार उसे घुमाना ही होगा। आपके मनोकामना जो है उसे मन ही मन कहते हैं, आपके मुंह में बस कृष्ण नाम होना चाहिए, चाहे आप लौकिक तरीके से कहें, चाहे आप संस्कृत श्लोक के माध्यम से कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मुँह में आपका जो है कृष्ण जी का या लड्डू गोपाल जी का नाम ही होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है आप अपनी संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं जन्माष्टमी के दिन। इससे जो है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपके घर जो है बहुत ही जल्दी लक्ष्मी जी या फिर बाल गोपाल के रूप में ज़रूर कोई आएगा और आपके जीवन में खुशियाँ ही भर देगा। देखिए दोस्तों, मैं समझ सकता हूँ जिसने भी मुझसे ये सवाल किया है कि वो शायद हर जगह से जो है ना एक खोज रहे कि अगर कहीं से भी अगर कोई उपाय हो या फिर कहीं से भी कुछ करके उनके घर अगर संतान आ जाए। मैं समझ सकता हूँ दोस्तों इस दर्द को, सच में ये बहुत बड़ा दर्द होता है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर पुत्र या कन्या के विषय नहीं है, यहाँ पर संतान ही सबसे बड़ी विषय है। मैं भी प्रार्थना करूँगा जन्माष्टमी के दिन जिन्होंने मुझसे मेल किया है कि उनके घर बहुत ही जल्द जो है ना ठाकुर जी की कृपा से जो है उनके लक्ष्मी रूप में या पर उनके बाल गोपाल रूप में कोई ना कोई ज़रूर आ जाए। और आप निष्ठा के साथ भगवान से आराधना कीजिए इस तरीके से जो मैंने बताया। मुझे लगता है भगवान आपकी प्रार्थना ज़रूर सुनेंगे। आप बस मन से करिए दोस्तों, मन से करिए, जन्माष्टमी की पूजा करिए, आपके धूप उपाय करिए, देखिएगा आपकी प्रार्थना जो है भगवान ज़रूर सुनेंगे दोस्तों, ज़रूर सुनेंगे। और मन ही मन बोलते रहिए, मन ही मन हमेशा ठाकुर जी का नाम लेते रहिए, और उन्हें अपने जो भी सारे आपके जो मतलब ये जो आपकी मनोकामना है या फिर आप जो चाहते हैं ना, ये आप हर समय बोलते रहिए जन्माष्टमी के पूरे दिन, जो भगवान के प्रति संपूर्ण निच्छाव रहिए उस दिन, देखिएगा आपके घर जल्दी ही खुशखबरी आएगा दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।